हेलो दोस्तों, आज आपके साथ जम्मू की बहुत ही मशहूर मीठे मदरे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि एक हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है। मीठे मदरे की रेसिपी बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स का यूज होता है, जिसके लिए मैंने सोंगी, बादाम, काजू, सूखी डेट्स जिसको हम शुआरे भी कहते हैं, और एक सूखा नारियल भी लिया है जिसको हम खोपा भी बोलते हैं अपनी भाषा में। तो ये जो सूखे डेट्स हैं ये बहुत ही सख्त होती हैं, तो इसको हम गर्म पानी में भिगो लेते हैं ताकि ये नरम हो जाएं। इसी तरह से बादामों को भी पानी में डाल लेते हैं और उबाल लेते हैं ताकि उनका छिलका आराम से निकल जाए। अब जितना हमें नारियल चाहिए उतना हम घिस लेते हैं, थोड़ा सा घिस लेंगे बाकी रख देंगे। अगर आप चाहें तो फ्रेश नारियल का भी यूज कर सकते हैं। मीठा मदरा बनाने के लिए मैंने 1 किलो फ्रेश दूध लिया है, साथ में लिए चीनी, सूंड पाउडर, थोड़ा सा देसी घी, हल्दी पाउडर, नटमेग और थोड़ी सी इलायची ली है। जायफल और सूंड पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप डालें, मगर जब बहुत ठंड पड़ती है तो इसको डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो अब हमारे शुआरे भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, जो इनका ऊपर का पोर्शन है उसको अच्छी तरह से काट लेते हैं और लेंथ वाइज इनकी कटिंग कर लेते हैं। ये आराम से कट जाएंगे क्योंकि हमने इनको गर्म पानी में भिगो के रखा था, और सारी गुठलियां भी बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह से बादामों को भी मैंने एक उबाला दे दिया है और ठंडे होने पे छिलके उतार लिए हैं सारे। अब मैंने गैस पे एक पैन चढ़ा दिया है और उसमें थोड़ा सा देसी घी डाला है। सबसे पहले बादामों को स्लो आंच में भून लेंगे। तो जैसे ही बादामों में से बहुत अच्छी महक आने लगेगी तो इन बादामों को बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से शुआरों को भी इसी घी में फ्राई करेंगे और सारा प्रोसेस स्लो हीट में ही करेंगे। तो इसी तरह से शुआरे भी फ्राई कर लेते हैं। शुआरे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं तो अब हम इनको भी बाहर निकाल लेते हैं। अब इसी तरह से काजुओं को भी भून लेते हैं। काजुओं का रंग बहुत जल्दी डार्क हो जाता है तो इनको जल्दी ही बाहर निकालेंगे। अब मैंने इसमें सोंगी भी डाल ली है, सोंगी को भी फटाफट से भून लेंगे वरना इसका जलने का बहुत जल्दी डर होता है। तो जैसे ये फूलने लगेगी तो इसी को तुरंत ही बाहर निकाल लेंगे। तो सारी सोंगी निकालने के बाद इसी घी में मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है, हल्दी को थोड़ा सा पका लेते हैं। तो हल्दी पक चुकी है तो अब मैंने इसमें जो हमने घिस के रखा हुआ नारियल वो डाल लिया है। तो नारियल और हल्दी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि हल्दी भी पक जाए और नारियल भी भुन जाए। नारियल में से भी बहुत अच्छी महक आ रही है तो अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। तो अब हम गैस पे दूध चढ़ा लेते हैं जो हमने 1 किलो दूध लिया है। तो दूध चढ़ाने के बाद इसको गर्म करेंगे, स्लो आंच में ही गर्म करना है हमें। तो अच्छी तरह से दूध गर्म हो रहा है तो अब मैं इसमें थोड़ा सा नटमेग डालूंगी, ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इसका यूज सर्दियों में ही किया जाता है। अगर गर्मी वाला मौसम हो तो ये ना ही डालें आप। तो अब मैंने इसमें इलायची भी डाल ली है कूट के, 2 से 3 इलायचियों को कूट के उनका पाउडर डाल लिया है। अब दूध को अच्छी तरह से उबाला आने लग गया है। तो सारे के सारे जो हमने ड्राई फ्रूट भून के रखे हैं वो अब हम इस दूध में डालेंगे। हमें दूध को पकाते रहना है। सोंगी का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे वरना दूध फट जाएगा, एंड में यूज करेंगे। दूध को मध्यम आंच में ही पकाना है। तो अब मैंने जो कोकोनट और हल्दी घी में भून के रखी है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इस हल्दी और कोकोनट से इस मदरे का बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। तो इसको डाल लेते हैं और अब इस सब को पकाएंगे। और हमें इस दूध को इतना पकाना है ताकि ये जो दूध है 1 किलो से आधा किलो हो जाए, और इसको स्लो आंच में रख देंगे और बीच बीच में चेक करते जाएंगे।
मीठे मदरे की जो रेसिपी है हमारे जम्मू रीजन में ना, जो भी त्योहार होता है उसमें ये जरूर बनाया जाता है। मोस्टली जो सर्दियों के त्योहार होते हैं, क्योंकि सर्दियों में ही ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, गर्मी में तो इतना खाया नहीं जाता, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सूंड पाउडर का भी इस्तेमाल हमने चुटकी भर करना है, वो भी अगर आपको पसंद हो, वरना इलायची भी बहुत अच्छी लगती है इसमें, और नटमेग भी अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। अभी तो दूध बहुत पतला नजर आ रहा है, तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि इस दूध में घनापन आ जाएगा, तो अच्छी तरह से इसको उबाल लेते हैं। अब दूध काफी थिक हो गया है, तो अब मैंने एंड में इसमें सोंगी भी डाल ली है। सोंगी स्टार्टिंग में नहीं डालनी है, क्योंकि सोंगी दूध को फटा भी सकती है, तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है। और चीनी हमने बिल्कुल ही एंड में डालनी है, जब मदरा बन के तैयार हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में कि दूध काफी थिक हो गया है, तो ये देखिए मीठा मदरा हमारा बन के तैयार हो गया है। मीठा मदरा बन के तैयार हो गया है, अब इसमें चीनी डाल लेते हैं। और चीनी डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स भी कर लेंगे, तो थोड़ी देर और उबालेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से घुल जाए। तो दोस्तों मीठा मदरा तो बन के तैयार हो गया है, अब हम गैस बंद करेंगे और इसको डिश आउट भी कर लेंगे, और इसको गरम गरम ही परोसेंगे, क्योंकि इसका जो हल्का हल्का गुनगुना गरम टेस्ट होता है वो सर्दियों में बहुत ही अच्छा लगता है। इसको हमारे यहाँ बबरू और दही वाले आलू के साथ त्योहारों में जरूर से परोसा जाता है, और ये बहुत ही हेल्दी होता है, लेडीज को ये सर्दियों में जरूर से खाना चाहिए। और इसको आप आराम से 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, और इसका टेस्ट विंटर्स में तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों हमारे जम्मू की ट्रेडिशनल रेसिपी आपको कैसी लगी, मीठे मदरे की? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।